बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं MY सॉल्यूशंस। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करने वाले हैं कि कंटेंट राइटिंग कितनी तरह की होती है। कंटेंट राइटिंग के बारे में बार 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 इस बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं कि सर कंटेंट राइटिंग के बारे में बता दें। कंटेंट राइटिंग बेसिकली किस कितनी तरह की होती है, हम इसके अंदर क्या कुछ कर सकते हैं। तो उस वीडियो की तरफ जाने के पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो अब बात कर लेते हैं कि कंटेंट राइटिंग बेसिकली कितनी तरह की होती है। वैसे मेरी पहले इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। मैंने प्रॉपरली कंटेंट राइटिंग के बारे में बड़ी मैंने यहाँ पर वीडियोस रखी हुई हैं, बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं। तो मज़ीद जो है ना, मैं आपको मज़ीद गाइड कर देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म के अंदर बता देता हूँ कि कंटेंट राइटिंग को बेसिकली कितनी तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि कंटेंट बेसिकली होता क्या है। कंटेंट का मतलब है कि हर वो चीज़ जो आपकी वेबसाइट के ऊपर लाइव है, हर वो चीज जो आपकी वेबसाइट के ऊपर लाइव है, दैट विल बी योर कंटेंट। अब चाहे वो इन राइटिंग फॉर्म हो, चाहे वो इन म्यूजिक फॉर्म हो, चाहे वो इन वीडियो फॉर्म हो, ऑडियो वीडियो, किसी भी फॉर्म में वो आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी चीज लाइव है, तो दैट विल बी योर कंटेंट। अब ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट की कितनी तरह की, कितनी इसकी इकसाम है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं, फर्स्ट वन है एसईओ फ्रेंडली कंटेंट। एसईओ फ्रेंडली कंटेंट नाम से ही जाहिर है कि ऐसी ये ऐसा कंटेंट होता है जो बेसिकली लिखा ही किया ही इसलिए जा रहा है, इसलिए इसको लिखा जा रहा है कि हमने अपनी फलां फलां किसी भी कैटेगरी की वेबसाइट को हमने गूगल में या सर्च इंजन्स के अंदर हमने उनकी रैंकिंग लेकर आनी है। अब जारी बात है, जब हम रैंकिंग करेंगे तो किसी ना किसी कीवर्ड के ऊपर करेंगे, तो उन कीवर्ड्स की बेस पर अगर आप एक कंटेंट क्रिएट करते हैं तो दैट विल बी नोन एज एसईओ फ्रेंडली कंटेंट। गूगल के लिए कर रहे हैं, बिंग के लिए कर रहे हैं, याहू के लिए कर रहे हैं, किसी भी आप सर्च इंजन के लिए आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो दैट विल बी नोन एज एसईओ फ्रेंडली कंटेंट। सेकेंड और टाइप आती है न्यूज़ कंटेंट। न्यूज़ कंटेंट नाम से ही जाहिर है कि न्यूज़पेपर वाले या जर्नलिस्ट वगैरह जो लोग होते हैं, वो जो राइटिंग करते हैं, वो दैट विल बी नोन एज न्यूज़ कंटेंट। न्यूज़पेपर्स के लिए जो कंटेंट लिखा जा रहा है कि कंटेंट कैसा हो, कौन सी न्यूज़ पर बात की जाए, क्योंकि न्यूज़ तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन हमने किस किस चीज़ को कवर करना है, हमारी कैटेगरीज के अंदर कौन कौन सी न्यूज़ आती है। कुछ कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं, न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में चलते हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया को कवर करना होता है, पूरी दुनिया के जो मेन मेन इवेंट्स हैं उनको कवर करना होता है। फिर कुछ लोग कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके लोकल, जो आपका लोकल एरिया है, लोकेलिटी पर बेस करते हैं, तो वो लोकल न्यूज़ को फोकस करेंगे। तो किस न्यूज़ को फोकस किया जाएगा, किस तरह से इनका कंटेंट क्रिएट किया जाएगा, दैट विल बी नोन एज न्यूज़ कंटेंट। नंबर थ्री पे आता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के बारे में भी मेरी बहुत सारी वीडियोज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ब्लॉगिंग के ऊपर वीडियोज़ मिल जाएंगी। मेरी खुद की यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं ब्लॉगिंग के ऊपर, मैं इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दूंगा ताकि आप आसानी से वहां को जाकर उनको गेट कर सकें। पूरा का पूरा कोर्स है ब्लॉग के ऊपर, और ब्लॉग जो है, ब्लॉगिंग करना एक बहुत बड़ा, समझ लें कि आपके लिए बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है इन फ्यूचर। ये लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों ने बहुत सारे तरीके निकाले हैं अर्निंग के, तो उनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, टॉप 10 में जो आ रहा है, उनमें एक ब्लॉगिंग भी है। तो ब्लॉगिंग बेसिकली होती क्या है कि आपने किसी एक टॉपिक को के ऊपर आपने किसी एक टॉपिक को पकड़ लेना है, उस टॉपिक के ऊपर आपने प्रॉपरली डिटेल से बैठकर आपने बात करनी है, और डेली का आपने उसके ऊपर कोई एक आर्टिकल लिखकर डाल देना है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइजिंग के ऊपर या हेल्थ की बात करते हैं, आपका ब्लॉग किस पे है, हेल्थ पे है, तो डेली आपने कोई ना कोई टिप बतानी है कि जो आपके रीडर्स हैं, जो आपके पढ़ने वाले हैं, आपके ब्लॉग के रीडर्स हैं, उनको कोई ना कोई डेली एक टिप मिलता रहे।
लोग आपके ब्लॉग का वेट कर रहे होते हैं कि यार ये बंदा, इसने कल ये बात की थी, अब देख दिया नेक्स्ट पोस्ट के अंदर इसने क्या बात करनी है। तो ब्लॉगिंग भी एक अच्छा जो है वो कंटेंट राइटिंग एक सोर्स है। नेक्स्ट वन है मार्केटिंग कंटेंट। मार्केटिंग कंटेंट का मतलब है कि आप एक कंटेंट राइटर हैं और आप किसी कंपनी के साथ, किसी मार्केटिंग की कंपनी के साथ आप अटैच हो गए हैं। अब आपने उनके लिए काम करना है कि उनकी प्रोडक्ट्स को आपने मार्केट करना है, उनके क्लाइंट्स की प्रोडक्ट्स को आपने मार्केट करना है। तो किस तरह से आपने उनका कंटेंट क्रिएट करना है, किस तरह से आपने उनके लिए मार्केटिंग मार्केटिंग में हेल्प प्रोवाइड करने वाला कंटेंट आपने किस तरह से क्रिएट करना है ताकि उनकी जो बिजनेस है वो, उनका बिजनेस अप हो। इसमें ब्लॉगिंग आ जाता है, सोशल मीडिया पोस्ट आ जाती हैं, कंपनी की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस आ जाती हैं और प्रोडक्ट रिव्यूज वगैरह इसमें आ जाते हैं, जो कि आपको एक अच्छे पोटेंशियल कस्टमर्स को गेन करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन आता है टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग भी एक उभरता हुआ ट्रेंड है कंटेंट राइटिंग के अंदर, और शुरू में तो इतना ज़्यादा इसको लोग फोकस नहीं करते थे, लेकिन अब इसके ऊपर फोकस ज़्यादा हो गया है। टेक्निकल राइटिंग बेसिकली होती क्या है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मोबाइल है, इस मोबाइल को इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। होता ना, कोई आप मशीन परचेज करते हैं, कोई आप कोई स्पेशल इक्विपमेंट परचेज करते हैं, तो उसमें एक बुकलेट निकलती है। उस बुकलेट के ऊपर उस मोबाइल को इस्तेमाल करने का ए टू जी हर चीज, उसके फंक्शंस, किस बटन से क्या होगा, क्या इसका फंक्शन है, क्या क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस हैं और क्या क्या उसका इस्तेमाल है, वो अलग बात है कि हम उसे पढ़ते नहीं है, लेकिन कंपनी जो बिजनेस है वो उस हर छोटे से छोटी चीज होगी, बड़ी से बड़ी मशीनरी होगी, उसके अंदर उसका मैनुअल पड़ा होता है, ताकि यूजर को कभी भी कोई मसला होता है तो वो हमारे पास आने की बजाय पहले इस मैनुअल को पढ़े और अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे खुद। तो ये टेक्निकल राइटिंग स्पेशली उनके लिए होता है जो कि आप इक्विपमेंट्स के लिए, जो आप उनका मैनुअल्स वगैरह तैयार करते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस आप लिखते हैं, दैट विल बी नोन एज टेक्निकल राइटिंग। और सेकंड लास्ट पे आता है फीचर कंटेंट। फीचर कंटेंट से हम ये मुराद दे सकते हैं कि फीचर कंटेंट की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इसमें होता क्या है कि आपने बेसिकली लिखना होता है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपने स्टोरीज लिखनी है, डिफरेंट पोइम्स लिखनी है और आपने रियल लाइफ स्टोरीज का जिक्र करना है। रियल लाइफ स्टोरीज के बारे में अगर आप लिखेंगे तो वो कंटेंट आपका कहलाएगा फीचर कंटेंट। नेक्स्ट आता है लाइफ स्टाइल कॉन्टेंट। लाइफ स्टाइल कॉन्टेंट का मतलब नाम से ही जाहिर है कि आपने किसी एक क्लास को पकड़ लेना, उस क्लास से रेलिवेंट आपने जो भी उनकी इंटरेस्टेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपने उनको कंटेंट लिख लिख कर देना है। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो हेल्थ कॉन्शियस है, तो आपने उसको हेल्थ की टिप्स देना शुरू कर दी है। फिर एक बंदा जो है वो अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्लानिंग करना चाह रहा है, तो आप उसको प्रॉपर बताना शुरू कर देंगे बिजनेस की प्लानिंग करने के क्या स्टेप्स होते हैं, बिजनेस की प्लानिंग किस तरह की जाए, बजट कैसे बनाया जाए, हर चीज आप प्रॉपरली उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको बताना शुरू कर देते हैं। दैट विल बी नोन एज लाइफ स्टाइल कॉन्टेंट। और नंबर लास्ट पे आता है एंटरटेनमेंट कॉन्टेंट। एंटरटेनमेंट कॉन्टेंट नाम से ही जाहिर है कि जो एंटरटेनिंग कंपनीज हैं, लाइक म्यूजिक कंपनीज हो गया, ये सिनेमाज हो गए, ये ऑनलाइन जो ये ऑनलाइन अगर हम बात करें तो जैसे ये नेटफ्लिक्स हो गया, जहां पर आपको एंटरटेनमेंट की वीडियोस, एंटरटेनमेंट का कंटेंट आपको मिलता है, उनके लिए कंटेंट को क्रिएट करना है, दैट विल बी नोन एज एंटरटेनमेंट कंटेंट। तो ये छोटी सी एक वीडियो मैंने जो है वो ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि बेसिकली कंटेंट राइटिंग की कितनी कैटेगरीज हैं। तो ये कैटेगरीज इंशाल्लाह, इनके ऊपर प्रॉपरली वीडियोस भी अवेलेबल अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं। कंटेंट राइटिंग क्या होती है, एसईओ कंटेंट राइटिंग क्या होती है, टेक्निकल राइटिंग क्या होती है, टेक्निकल मार्केटिंग कंटेंट क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होती है, हर चीज़ की वीडियोस अवेलेबल हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको आसानी से वहां से मिल जाए। अब वही बंदा कामयाब होगा जिसके पास कोई टेक्निकल स्किल है। तो टेक्निकल स्किल में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, दैट विल बी नोन एज कंटेंट राइटिंग।
तो कंटेंट राइटिंग सीखें, कंटेंट राइटिंग करें, कंटेंट राइटिंग के ब्लॉग्स बनाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसकी वजह से क्या होगा कि दुनिया के हालात जैसे मर्जी हो, आपकी जो अर्निंग है आपकी, आप भूखे नहीं मरोगे। ये मैं आपको बता दूं कि आप भूखे नहीं मरोगे। अगर आप इस चीज़ को सीख लेते हैं तो आपकी जो फ्यूचर लाइफ है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए शानदार होने वाली है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।